हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं धूप पड़ रही है सामने से और फिर से अगेन मैं ब्लैक ब्लैक लग रहा हूँ। अब मैं जा रही हूँ सुबह सुबह, कहाँ जा रहे हैं हम? रजौरी गार्डन शूट पे जा रही हूँ मैं। वैसे मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो उन लोगों के साथ शूट है मेरा। वो लोग मुझे वीडियो नहीं देते इसलिए मुझे अपना ही देना पड़ेगा। तो अभी रजौरी गार्डन के लिए निकलना है मुझे। सुबह के 6:30 हो रहे हैं, हम 6:30 बजे ही जाएंगे। बैकग्राउंड पे ध्यान मत दो, मेरे घर में रेवोल्यूशन क्या कहते हैं वही चल रहा है जो आप समझ रहे हो, मुझे बोलना ही नहीं आता। और मेरा जरा हेयरस्टाइल देखो, एक साइड बना रखा है एक साइड नहीं, ऐसा प्यारा लगता है ना, ऊपर से ये बेकार लगता है। चलो मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ और फिर निकलते हैं रजौरी गार्डन के लिए। मेहंदी कितनी दाग चल रही है ना मेरे, एक ये मानसी के लिए, एक ये रिंग, एक दूसरे हाथ में पहन रखी है। चलो चलते हैं फिर। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल दूसरे रूम में आ गया और शीशा भी बहुत गंदा लग रहा है। तो ये है मेरा आउटफिट, न्यू जीन्स है और न्यू टॉप मैंने कल या परसों में लिया है। कैसा लग रहा है? रुको टॉप ऐसे करके दिखाती हूँ। और ये मेरा पुराना वाला वही बैग जो मैं हमेशा लेती हूँ। सो चलो चलते हैं अब गाइस। आज भी हमें गाड़ी नहीं मिलने वाली और अभी भी हम चलते जा रहे। अभी बताने कितने हो रहे मेरे, पूरा मेट्रो ही खाली है यार। लोग देख रहे हो मेरी कैसे जा रही है, बंदर लग रही हूँ वो अलग। पहुँच चुके हैं हम रजौरी गार्डन और क्या ही बोलूँ, धूप में फिर भी काले लग रहे हैं धूप में भी। अब कोई आया तो है नहीं, बस अब आ रहे हैं। अब देखो हवा चल रही है, मेरा लिप ना गिरे बस। मैं गिर जाऊँ चलेगा, क्लिप नहीं गिरना चाहिए। सोच रही हूँ थोड़ी देर वेट कर लो। ये रहा अपना मॉल, ये रहा शूटिंग का पॉइंट। अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे वो लोग, जब तक वेट करना पड़ेगा मुझे। अब मैं जाके अंदर एक बार वॉशरूम आऊँ, फिर वेट करेंगे। अंदर ही वेट करूँगी यार, धूप में थोड़ी ना करूँगी मैं मॉल के अंदर। अब मैं जा रही हूँ एक बार ऊपर वॉशरूम, उसके बाद नीचे आऊँगी। फिलहाल ऊपर चलते हैं। आओ गाइस चलो खेलते हैं। मैंने इस साइड लगा दी, इस साइड ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बाल भी स्ट्रेट लग रहे हैं। यहाँ तेरे बिना मोहल्ले विच। चलो फटाफट रेडी होके चलते हैं। लिपस्टिक भी लगा ली मैंने, उसी वाले में जाएंगे हम। पहले तो सूट कर लें उसके बाद जाएंगे। मेकअप करने के बाद भी मैं काली लग रही हूँ, बट ये अच्छा लग रहा है इससे। कोई नहीं, मैं एडिटिंग करके गोरी हो जाती हूँ अक्सर। मैं थी देख रही हूँ कितनी डार्क है, दिखा चुकी हूँ मैं सुबह भी, बट फिर भी देख लो। प्लान कैंसिल हो चुका है, मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। इतना गुस्सा चढ़ रहा है मुझे। सैम ने बोला कि कहते हैं 2 बजे आना है, पहले तो ये बोला ठीक है, फिर बोलता कि नहीं 3 बजे आना है, और फिर 3 बजे निकलने को बोला। ना ये लोग निकले हैं ना ये लोग आ रहे हैं, और वीडियो बनाने का भी प्लान कैंसिल हो गया। और मेरे दिमाग की क्या बोलूँ, व्लॉग में गाली देना ठीक नहीं लगता ना। मैं कब से वेट कर रही हूँ यहाँ पर, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। मैं 1:50 पे पहुंच गई थी यहाँ पर, और अभी 4:20 समथिंग हो रहे हैं। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब क्या बोलूं। मैं सोच रही हूँ घर ही चली जाऊँ सीधा, या तो फिर मानसी के पास। सुबह मैं 7 बजे निकली थी है ना, तो मैं मानसी से मिलने ही गई थी, बट फिर मैंने वो वाला सूट लेना भूल गई कि यार मानसी के साथ वाला भी तो क्लिप डालना होता है। बट कोई बात नहीं, सामने
ऐसा है, मैं जा रही हूँ घर, इन बंदों ने मेरा चूतिया बनाया है। बंदे ने 3 घंटा वेट कराया और मेरे को ऐसा कह दिया कि हम नहीं आ रहे। मतलब मैं पागल हूँ, 3 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, अब नहीं जाऊंगी, मैंने ब्लॉक कर दिया यार। कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना, चलो मेरा ब्लॉग शूट तो हो गया है, टिकट ले लिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ घर। सच बताओ मुझे इतना खुंदक आ रही है ना, मेरा मन भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का। मैं गलती करी यार, मैंने दूसरी टीम में हेल्प करवाई ना थोड़ी सी भी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अच्छी खासी मेरे सैम की टीम है ना, बस बहुत काफ़ी है, अब नहीं जाना है यार। किसी दूसरे इंसान पर भरोसा ही नहीं करना मुझे, फालतू है। सब अपने काम से वीडियो बनवाएंगे फिर, ऐसा अब नहीं जाना। फिलहाल मुझे सैम ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, निकल गए हम लोग। और मैंने कहा आईफोन का चार्जर भी लेते आना, तो कह रहे हैं हाँ ठीक है। बट मेरे को ये समझ नहीं आता मैं लगाऊंगी कहाँ, अपने सर पे। मैं सोच रही लॉन्च में लगा दूंगी, जो भी है क्लब है ये लॉन्च कर भी कह सकते हैं। यार मैं कैमरे में इतनी गंदी दिखती हूँ और रियल में इतनी प्यारी क्यों लगती हूँ, छुट्टी बेचती है अभी। चलो फिर वेट करते हैं थोड़ी देर और, आ ही रहे हैं यार, आधे घंटे में आ ही जाएंगे, भरोसा है मुझे अपने आप पे। ऐसा है, मैं जा रही हूँ घर, इन बंदों ने मेरा चूतिया बनाया है। बंदे ने 3 घंटा वेट कराया और मेरे को ऐसा कह दिया कि हम नहीं आ रहे, समीर चोद कर देगा ये वो। मतलब मैं पागल हूँ, 3 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ, अब नहीं जाऊँगी, मैंने ब्लॉक कर दिया यार। कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना, चलो मेरा ब्लॉग शूट तो हो गया है, टिकट ले लिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ घर। सच बताओ मुझे इतना खुंदक आ रही है ना, मेरा मन भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का। मैं गलती करी यार, मैंने दूसरी टीम में हेल्प करवाई ना थोड़ी सी भी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अच्छी खासी मेरे सैम की टीम है ना, बस बहुत काफ़ी है, अब नहीं जाना यार। किसी दूसरे इंसान पर भरोसा ही नहीं करना मुझे, फालतू है। सब अपने काम से वीडियो बनवाएंगे फिर, ऐसा अब नहीं जाना। क्या भेज रहे हैं, ब्लॉग शूट कर रहा था मैं, एडिट करके गोरा बना देंगे। मैं कह रही हूँ, पता है मेरे को बुलाया उन लोगों ने, और भी ठस्सा, कोई वीडियो शूट नहीं, कोई ब्लॉग नहीं। वापस आ गई इसका मतलब, ये तो गलत है। 3 घंटे बैठी हूँ मैं, मतलब बदतमीज है क्या वो, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब सैम वगैरह तो कि आगे से मैं आऊंगी नहीं, मैं नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं होता ना, कोई बंदा इतनी दूर से आ रहा और मैं ऐसे। इससे अच्छा तो सैमसी और वो है बुटका, उन लोगों के पास जाते हो, थोड़ा टाइम तो देते हैं। तो चैट में बिजी रहे, हम व्लॉग में बिजी रहे, खुशी देख रहे हो चेहरे पे, बंदा बन गया मेरा बंदा। व्लॉग में बता रही है तुझे, 8 महीने वेट किया, जब जाके मेरे को फल मिला है, ठीक है, जब जाके मेरे को मेरा प्यार मिला है, पता देखो मेरा यश मिला है। यश के दोस्त भी देखेंगे, हमारा जीजू बन गया गाइस, जीजू यार तो तुम्हें डालूंगी कोई नहीं डालूंगी, वही क्या बननी है, पहले तो नाम भी नहीं लेती थी भाई। प्यार है यार, अब बोलियो प्यार है यार, यस तो मम्मी भी देखेंगे मेरी वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा, तू भी तो प्यार है तू मेरा। ओए हाथ दिखाइए अपना हाथ गाइस, देखो रिंग और हम दोनों के हाथ ही। अब रिंग करें अभी, पता है मैं घर जाऊंगी, पन्नी इसको घर जाऊंगी, ये देखो मेरे पापा को मैसेज आंटी, ये मत दिखा दियो। Yeah.
खाएंगे मोमोज 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 खाएंगे, पैसे मेरे हैं, मोमोज भी खाएंगे, पैक करवा के लिए है ना सुअर के इनके मोमोज की शक्ल भी देखिए कभी। किसको लूं फिर, सुअर को? वैसे ही तू सुअर दिख रहा है यार, सुअर ही है तू, खुद को संभालने लग गया सुअर बोल के। अच्छे से क्रीम पाउडर ला दू, बोल दो अन्नू को अन्नू अपना मेकअप दे दे यार, इसको क्रीम पाउडर दे देते अन्नू का, संभाल रहा है खुद को। क्या भैया गाइस, स्कूटी पे हमारा ड्राइवर बैठा है ये रहा, ठीक है ये हमारी ओडी खड़ी, ये हमारे दोनों क्या कहते हैं ये ओनर है दोनों ओडी के, ये हमारा ड्राइवर सात बीघा खेत चार खड़ी हो जाएगी। हाँ बेक दो ना, अभी बेक दो सात बीघा बेक दो। मैं निकल गई हूँ, मैं फटाफट घर जा रही हूँ, घर जाऊंगी व्लॉग एंड करूंगी, एंड यही कर देते हैं, क्योंकि मैं अक्सर घर जाके ना भूल जाती हूँ, तो व्लॉग को करते हैं एंड। बाय बाय।